गाइस, दिस इज दी, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ मेरे न्यू पीसी के ऊपर जो बना हुआ है एएमडी राइजन 7 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के ऊपर कि मैं क्यों यूज किया इंटेल के बजाय, तो इसमें मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं बहुत ही आगे से इंटेल यूज़ करता था, क्योंकि इंटेल यूज़ कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। लेकिन मुझे एक एक्सपीरियंस मिला था कि एएमडी का राइजन जो प्रोसेसर है वो कैसा परफॉर्म करता है मेरे कामों पर, जैसे कि वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग, ऐसे कुछ चीज़ों। तो वो डिस्कवर करने के लिए मैं एएमडी का राइजन प्रोसेसर यूज किया। इस किसी को बता देते हैं इसी के कुछ बेसिक्स। तो पहले इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ये एएमडी का राइजन 7 3700X, एंड इसके साथ जो मदरबोर्ड है मेरा वो है असूस का ROG X470। एंड उसके साथ आप अगर रैम के बारे में बात करें तो रैम है XPG का लिक्विड कूलिंग रैम। इसका जो प्राइस था वो बहुत ही हाई था जब मैंने लिया था, क्योंकि तब ये सिंगल ऐसा ही रैम लिक्विड कूलिंग था। एंड इसमें RGB भी है, RGB फ्यूजन। एंड इसका जो ग्लास है, ग्लास थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटेड लगा, क्योंकि ये फॉग ग्लास नहीं है, ये जस्ट एक प्लेन ग्लास है। इसमें से RGB देखने में अच्छा लगता है, बट उतना ही अच्छा नहीं लगता। तो हम अगर बात करें तो इसके SMPS के बारे में, तो SMPS मैंने नहीं मिला खोजने पर भी बहुत जगह, अगर मास्टर का वाइट की का वाइट एक टाइप का। हम अगर ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड है MSI का आर्मोर सी एडिशन। ये ग्राफिक्स कार्ड मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, एंड एज माई ओपिनियन ग्राफिक्स कार्ड एक नंबर। तो अगर मैं कैबिनेट के बारे में बात करूँ तो ये MSI का, एंड ये कैबिनेट विश्वास कीजिए ये बहुत ही अच्छा है इस प्राइस में। ये मुझे 5000 के करीब करीब का मिला, एंड इसमें बहुत ही अच्छा कैबिनेट है। एंड इसके साथ एक RGB फैन भी मिलता है इंक्लूडेड पीछे के साइड में। एंड मेरा वो RGB LED जो था वो कुछ दिन पहले ख़राब हो गया, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे बढ़िए। तो इसके सामने भी एक RGB लाइट है जो कि चेंजेबल है, एंड एक कैबिनेट मुझे बहुत ही किफ़ायती पड़ा, एंड बहुत ही अच्छा कैबिनेट है। तो अगर इसके माउस के बारे में बात करें तो माउस मुझे बहुत ही सस्ता मिला, एंड बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं आप। इस बजट में ऐसा माउस खास करके कमी देखने को मिलता है, जो है एनटेक माउस RGB। एंड इसमें बहुत ही कूल फीचर्स है, एंड इतने सब कुछ ओनली वजर के अंदर। तो यही था आज का वीडियो, एंड कैसा लगा PC। एंड मेरे ओपिनियन से आप अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एंड आप बताएं कि भाई ये वीडियो कैसा लगा, एंड इस बजट में PC ठीक ठाक है या बिजनेस, तो आप लोग डिसीजन लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं, एंड ये मेरा 2 महीना बाद का वीडियो है, सो प्लीज़ सपोर्ट करना, क्योंकि मैं समझ लेना फैमिली को। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून, बाय बाय।